प्यारा सा बंगला होना, बंगले में गाड़ी होना, गले में हीरो का हार होना, दुबई की ट्रिप होना और साथ में मेरे सजना होना। वाह वाह वाह, मजा गया मजा गया मजा गया। जिंदगी में तुम बहार बनके टन 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 क्या है जरा, ये अंडा है हलवा है? ये क्या है, दूध है जहर है? अरे अंडे में शक्कर, दूध में नमक, तुम्हारा दिमाग किधर है था पकाते वक्त? क्या है ये? अभी जुमाके भी खत्म नहीं हुआ, तुम लोग लड़ाई शुरू कर दी है। देखो ना अम्मी, गलती से दूध में शक्कर और अंडे में नमक डालना भूल गई तो चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को अपने सर पे उठा ले रहे। हाँ, पूरा घर सर पे उठा लिए। अम्मी आपको मेरी आवाज तो भी आई? तुम्हारी आवाज सुन के तो मैं बाहर आई, क्या हुआ आखिर? अरे अम्मी, आपकी बहू कौन से ख्यालों में नाश्ता बना देगी? पूरे अंडे में शक्कर और दूध में नमक डाल दी ना। आपको यकीन नहीं हो रहा? आपको सबूत के तौर पे दोनों भी चीजें आपके सामने पेश कर सकता हूँ मैं। दिए देखो जरा, वो दूध और अंडा खाए? वो दूध मुर्गी पी ली और अंडा बकरी खा ली। देख रहे अम्मी के जवाब आप? अब जब आपकी शादी के किस्से सुनाते थे मेरे को तो 6 महीने तक आपके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला था और 6 महीने तक आपके सर से घूंघट नहीं निकला था। और यहाँ देख रहे आप कैसे बड़े बड़े जवाब आए, दूध मुर्गी पी ले गए थे, अंडा बकरी खाए गए थे। अम्मी इनको बोल दो कि शाम को ताइमा के घर दावत है, ऑफिस से सीधा घर को आ जाने। अम्मी आप भी इनको बोल दो शादी के बाद आज ही तो ऑफिस को जा रहा हूँ मैं, और इनको मेरे ऑफिस की टाइमिंग नहीं मालूम, ना ही मैं ऑफिस से सीधा घर आता हूँ मालूम। जा रहा हूँ मैं। नॉक नहीं करते? ओह सॉरी, वो डोर खुला था तो आ गया। ओ हेलो, ये मेरा भी कमरा है और मैं तुम्हारा शोहर हूँ। और तीसरी बात, अगर डोर बंद रहा तो कभी नॉक करके आते, खुला रहा तो कहीं को नॉक करेंगे। और वैसे भी अपनी बीवी के पास आने वास्ते नॉक करना कहते? अगर गौर करके समझने की कोशिश करे तो तुम बहुत खूबसूरत है यार। और अगर गौर नहीं करके समझे तो कैसी दिखती हूँ मैं? तो भी मस्त है तुम। मस्त है क्या, चौरस्ते की लैंग्वेज है ये? हाँ, बीवी हूँ मैं आपकी, क्या कोई चबूतरे की दोस्त हूँ? मस्त है। क्या मस्त स्टाइल है यार तुम्हारा, तुम ऐसे ही बोलते रहो, मेरे को मजा आ रहा सुनने में। ताइमा के घर को जाना है, खुद जाके तैयार हो और मेरे को भी तैयार होने दो, जाओ। मेरे दोस्तों और ऑफिस के लोग बोलते मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, कहते कोई भी दावत में, शादी, वलीमा, बिस्मिल्लाह या फिर अकीका या फिर खतना के फूल, मेरा मतलब मैं हमेशा रेडी रहता हूँ, तैयार होने की जरूरत नहीं रहती मेरे को। क्या खूबसूरत है यार तुम। अम्मी, अरे तुम हमेशा अम्मी को अपने बीच में कहीं को लेके आते जी? तो फिर निकलो, जाओ, तैयार हो जाओ, जाओ। तुम्हारे को तो फुर्सत में देख लेता हूँ। देख रहे अम्मी, मैं ऑफिस से आने से 2 घंटे पहले से तैयार हो रही है आपकी बहू, और मैं आगे 1 घंटा हो गया, मैं तैयार हो गया, आप तैयार हो गए और अपन तैयार हो गए, 1 घंटा हो गया और बेगम साहिबा अभी तक सवरने में छे। वाह,
ये क्या तैयार तैयार का लखलखा लगा के अम्मी को मेरे खिलाफ तैयार कर रहे आप? मैं कुछ ही बोला अम्मी के खिलाफ? बोले भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये मेरे अम्मी हैं और आप ये घर के दामाद हैं। क्यों अम्मी, सही बोल रही हो ना? सही बोल रही। अरे क्या सही है अम्मी, आप इस तो बोलते थे ना बाजी को, दामाद कभी भी घर का बेटा नहीं बन सकता और बहू कभी घर की बेटी नहीं बन सकती, तो ये बहू घर की बेटी ऐसा कैसा बन गई अम्मी? तुम लोग की ये बचकानी बातों में आके मैं लिफाफा लेना ही भूल गई। माशाल्लाह चश्मे बद्दूर, बहुत खूबसूरत दिख रहे आप। अरे यारो, शादी के बाद कोई तो भी हनीमून पे जाते, तुम देखे तो तय माँ फूफो माँ के दावतों में जा रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक हफ्ते के बाद से हनीमून पे चले जाएंगे, क्या बोलते? अम्मी देखो है ना, मेरे को फिर से सिता रहे थे। चलो अम्मी, अपनी को देर हो रही ना। इस सादगी पे क्यों ना मर जाए खुदा, लड़ते हैं पर हाथ में तलवार नहीं। चलो हटो, मेरे को ये कोने में सोना है। अरे जबरदस्ती है क्या, पीछे आगे सो जाओ। नहीं, मेरे को यहाँ सोने से यहाँ से उतरने में आसानी होती। ऐसा है तो सोफे पे जाके सो जाओ। आज आप जाके सोफे पे सो जाओ। अरे घर मेरा, कमरा मेरा, मेरी मर्जी में कहीं भी सो सकता हूँ। कमरा और घर आपका ही छूंगा, मगर ये पलंग और वो सोफा मेरे अब्बू दिए सो है। जरा गौर से देखो, इधर भी एक किनारा है, इधर भी एक किनारा है, कहीं से भी उतर के जा सकते हैं आप। नहीं, मगर मेरे को यही पे सोना है। हटो, आप हट के सो जाओ, नहीं तो सोफे पे सो जाओ। जाओ मरो कोने में, जाओ। क्या हुआ दुल्हन? वो मैं रात को सोफे पे सोई थी ना, इसके वास्ते। सोफे पे क्यों सोए? वो आपके बेटे को इतनी बड़ी पलंग बस नहीं हो रही कते, तो मेरे को जाओ सोफे पे सो जाओ बोल के बाहर कर दिए कमरे के। ऐसा? अच्छा आने दो उसका, उसकी क्लास लेती हूँ मैं। अम्मी अम्मी आए देखो। अम्मी आप ये झूठी की बातों को सही समझ रहे? एक तो नई नवेली दुल्हन को कमरे से बाहर कर दिया और ऊपर से बेचारी को झूठी बोल रहा। अम्मी कमरे के बाहर मैं नहीं, इनो करे मेरे को। सोफे पे इनो नहीं, मैं सोया। कमर और गर्दन मेरी पकड़ी, इनकी नहीं। देखे अम्मी, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा। खबरदार अगर मेरी बेटी को रुलाया। जान। अबा जान, और घर में क्या थी वो तूफाने बदतमीजी? तूफाने बदतमीजी, ठीक है, खुदा हाफिज। अरे अब ये क्या है भाई, घर में अम्मी के बात भी सुनो और यहाँ बीवी को ही मनाओ। क्या हुआ, क्यों कट करे फोन? हाँ ऐसे करते और कट कर देते। अब चलो मेरे को वापस फोन करो और कॉल करके मेरे को सॉरी बोलो, नहीं तो अम्मी को बोल देती हूँ मेरे को फोन करके सितारे बोल के। अरे क्या परेशानी है हुई है। हेलो सॉरी। क्या बोले? आई एम सॉरी। ठीक है, इतना गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है, माफ किया। और सुनो, ऑफिस से सीधा घर को आओ, ये दोस्तों के साथ चबूतरों पे बैठ के पूरा शहर घूम के आने की जरूरत नहीं है, बाकी बात घर को आए बात करती हूँ। अरे क्या औरत है भाई ये,